नमस्कार दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान का विषय है देश के 13वें राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी के जीवन पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न पहला है, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया? तो इसका उत्तर है 26 जनवरी सन 2019 को देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न सम्मान दिया गया। प्रश्न दूसरा है, वर्ष 2019 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को किन और दो हस्तियों के साथ भारत रत्न सम्मान दिया गया? तो इसका उत्तर है भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। अब तक 48 हस्तियों को देश में भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। 20 साल बाद यह सम्मान 2 से ज्यादा हस्तियों को दिया गया है। प्रश्न तीसरा है, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी देश के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो इसका उत्तर है भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे। प्रश्न चौथा है, प्रणब मुखर्जी जी का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर है 11 दिसंबर सन 1935 को एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में प्रणब मुखर्जी जी का जन्म हुआ। प्रश्न पांचवा है, प्रणब मुखर्जी कितने वर्षों तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे और इन्हें क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर है प्रणब मुखर्जी 60 वर्षों तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे और इन्हें भारतीय राजनीति में अजात शत्रु कहा जाता था। प्रश्न छठवां है, प्रणब मुखर्जी राज्यसभा सदस्य के रूप में पहली बार कब उच्च सदन में पहुंचे व किस पार्टी की ओर से पहुंचे? इसका उत्तर है सन 1969 में कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा सदस्य के रूप में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी उच्च सदन में पहुंचे। प्रश्न सातवां है, राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को कौन सी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था और राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने किसे हराया था? तो इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने इन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था। राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने पीए संगमा को हराया था। प्रश्न आठवां है, प्रणब मुखर्जी अकेले ऐसे मंत्री हुए जिन्होंने 4 बड़े मंत्रालय संभाले, वे मंत्रालय कौन कौन से थे? इसका उत्तर है रक्षा, वाणिज्य, विदेश और वित्त मंत्रालय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने संभाले। प्रश्न नौवां है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब बने थे? तो इसका उत्तर है सन 1991 में। प्रश्न दसवां है, प्रणब मुखर्जी जी की शिक्षा कहाँ तक हुई थी? तो इसका उत्तर है प्रणब मुखर्जी जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से वीरभूम के सूरी महाविद्यालय से इतिहास एवं राजनीति शास्त्र में एमए किया और सन 1973 में कानून की डिग्री भी प्राप्त की। प्रश्न ग्यारहवा है, प्रणब मुखर्जी किस वर्ष कैबिनेट मंत्री बनाए गए? तो इसका उत्तर है सन 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में प्रणब मुखर्जी जी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। प्रश्न बारहवा है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी की मृत्यु कब व कहां पर हुई? तो इसका उत्तर है देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी की मृत्यु 84 वर्ष की अवस्था में 31 अगस्त सन 2020 को नई दिल्ली में हुई। कोरोना फेफड़ों के संक्रमण और मस्तिष्क में रक्त के थक्के जम जाने की वजह से इनकी मृत्यु हुई। प्रश्न 13वां है,
डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने देश के वित्त मंत्री के रूप में कितनी बार बजट पेश किया? इसका उत्तर है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी देश में दो बार वित्त मंत्री रहे। उनका पहला कार्यकाल 15 जनवरी सन 1982 से 31 दिसंबर सन 1984 तक रहा और दूसरा कार्यकाल वित्त मंत्री के रूप में 24 जनवरी सन 2009 से 26 जून सन 2012 तक रहा। उन्होंने अपने वित्त मंत्री रहने के दौरान 7 बार देश का बजट पेश किया। प्रश्न 14वां है, प्रणब मुखर्जी जी भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस पद पर थे? इसका उत्तर है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री थे। प्रश्न 15वां है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी जी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इसका उत्तर है, 25 जुलाई सन 2012 से 25 जुलाई सन 2017 तक प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में रहे। प्रश्न 16वां है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी से पहले भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रश्न 17वां है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी के बाद देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में वर्तमान में सन 2020 में कौन राष्ट्रपति हैं? इसका उत्तर है, रामनाथ कोविंद। प्रश्न 18वां है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी के कार्यकाल में देश में दो प्रधानमंत्री हुए, वे कौन थे? इसका उत्तर है, पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरे नरेंद्र मोदी। प्रश्न 19वां है, प्रणब मुखर्जी जी के राष्ट्रपति रहने के दौरान देश में उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर है, मोहम्मद हामिद अंसारी। प्रश्न 20वां है, भारत के विदेश मंत्री के रूप में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इसका उत्तर है, भारत के विदेश मंत्री के रूप में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का कार्यकाल 10 फरवरी सन 1995 से 16 मई सन 1996 तक रहा। प्रश्न 21वां है, प्रणब मुखर्जी भारत के रक्षा मंत्री कब से कब तक रहे? तो उसका उत्तर है, 22 मई सन 2004 से 24 अक्टूबर सन 2006 तक प्रणब मुखर्जी हमारे देश के रक्षा मंत्री रहे। प्रश्न 22वां है, इंदिरा गांधी जी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने कब छोड़ा? तो इसका उत्तर है, सन 1984 को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। प्रश्न 23वां है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी ने कौन सी नई पार्टी का गठन किया? इसका उत्तर है, सन 1984 के बाद प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस बनाई। प्रश्न 24वां है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का राजीव गांधी जी से समझौता कब हुआ? इसका उत्तर है, सन 1989 में प्रणब मुखर्जी जी की नई पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के बीच समझौता हो गया। प्रश्न 25वां है, प्रणब मुखर्जी जी की पत्नी एवं उनकी बेटी तथा उनके दो बेटों का नाम क्या है? इसका उत्तर है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी की पत्नी का नाम सुब्रा मुखर्जी और बेटी का नाम शर्मिष्ठा मुखर्जी है, जो एक कथक नृत्यांगना भी है, एवं उनके दो बेटों का नाम अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी है। प्रश्न 26वां है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी दोबारा कांग्रेस में कब शामिल हुए? इसका उत्तर है, सन 1991 में। प्रश्न 27वां है, प्रणब मुखर्जी देश के वाणिज्य मंत्री कब रहे? उत्तर है, सन 1993 से सन 1995 तक
डॉक्टर प्रणब मुखर्जी देश के वाणिज्य मंत्री रहे। प्रश्न 28वां है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी का जन्म पश्चिम बंगाल के जिला वीरभूम के मिराती गांव में हुआ था। प्रश्न 29वां है, प्रणब मुखर्जी जी को राजनीति में कौन लेकर आया? इसका उत्तर है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रणब मुखर्जी जी को राजनीति में लेकर आई। प्रश्न 30वां है, प्रणब मुखर्जी जी के माता पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी की माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी और पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था। प्रणब मुखर्जी जी के पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। प्रश्न 31वां है, प्रणब मुखर्जी राज्यसभा में सदन के नेता कब रहे? इसका उत्तर है, प्रणब मुखर्जी जी राज्यसभा में सदन के नेता सन 1980 से सन 1985 तक रहे। प्रश्न 32वां है, प्रणब मुखर्जी राजनीति में कब हाशिए पर चले गए थे? तो इसका उत्तर है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के पश्चात प्रणब मुखर्जी राजनीति में हाशिए पर चले गए थे। प्रश्न 33वां है, प्रणब मुखर्जी कब लोकसभा चुनाव जीते? तो इसका उत्तर है, प्रणब मुखर्जी जी सन 2004 और सन 2009 में दो बार लोकसभा चुनाव जीते। प्रश्न 34वां है, प्रणब मुखर्जी अपने जीवन में राजनीति के अलावा किन किन पदों पर थे? इसका उत्तर है, प्रणब मुखर्जी जी वकील, पत्रकार और प्रोफेसर भी रहे। प्रश्न 35वां है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी किस विषय के प्रोफेसर रहे? इसका उत्तर है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राजनीति शास्त्र और इतिहास विषय के प्रोफेसर रहे। प्रश्न 36वां है, कौन से बंगाली समाचार पत्र में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने पत्रकार के तौर पर काम किया था? इसका उत्तर है, बंगाली समाचार पत्र देशेर डाक में प्रणब मुखर्जी जी ने पत्रकार के तौर पर काम किया। प्रश्न 37वां है, प्रणब मुखर्जी जी ने कौन से संसदीय क्षेत्र से पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की? तो इसका उत्तर है, सन 2004 में प्रणब मुखर्जी जी ने पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। प्रश्न 38वां है, कौन सी पत्रिका ने उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित किया था? तो इसका उत्तर है, सन 1984 में यूरोमनी मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित किया था। न्यूयॉर्क से यह पत्रिका प्रकाशित होती थी। प्रश्न 39वां है, प्रणब मुखर्जी जी को मानद डीलिट की उपाधि कहां से मिली? तो उसका उत्तर है, कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रणब मुखर्जी जी को मानद डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। प्रश्न 40वां है, प्रणब मुखर्जी जी का विवाह कब हुआ? तो इसका उत्तर है, 13 जुलाई सन 1957 को डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी का विवाह सुब्रा मुखर्जी जी के साथ हुआ। प्रश्न 41वां है, प्रणब मुखर्जी जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार कब मिला था? तो इसका उत्तर है, सन 1997 में प्रणब मुखर्जी जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला था। प्रश्न 42वां है, प्रणब मुखर्जी जी को पद्म विभूषण सम्मान कब मिला? तो इसका उत्तर है, भारत सरकार द्वारा सन 2008 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को पद्म विभूषण सम्मान मिला था। प्रश्न 43वां है, प्रणब मुखर्जी जी वर्ष 1973 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस रूप में शामिल हुए थे? इसका उत्तर है, प्रणब मुखर्जी सन 1973 में औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उपमंत्री बने थे। प्रश्न 44वां है,
प्रणब मुखर्जी जी ने राजनीतिक जीवन में आने से पहले कहाँ नौकरी की थी? इसका उत्तर है कोलकाता में पोस्ट एंड टेलीग्राफ कार्यालय में प्रणब मुखर्जी जी ने क्लर्क की नौकरी की थी। प्रश्न 45वां है, प्रणब मुखर्जी जी को वर्ष 2015 में डिजिटल बुक ऑफ द ईयर्स से किस वजह से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है सन 2014 में प्रणब मुखर्जी जी ने द ड्रामेटिक टिकेट द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को लिखने के कारण डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को सन 2015 में डिजिटल बुक ऑफ द ईयर्स से सम्मानित किया गया। प्रश्न 46वां है, वर्ष 2010 में प्रणब मुखर्जी जी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न 47वां है, प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बने? इसका उत्तर है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में 24 जून सन 1991 से 15 मई सन 1996 तक प्रणब मुखर्जी जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। प्रश्न 48वां है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राज्यसभा सदस्य के रूप में कब कब चुने गए? इसका उत्तर है सन 1969, 1975, 1981, 1993 और सन 1999 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए। प्रश्न 49वां है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है जिसमें उनके राजनीतिक जीवन का उल्लेख है? इसका उत्तर है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने कोएलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है जिसमें उनके सन 1996 से सन 2012 तक के राजनीतिक जीवन का उल्लेख है। प्रश्न 50वां है, साहित्य के क्षेत्र में क्या भूमिका रही है प्रणब मुखर्जी जी की? इसका उत्तर है प्रणब मुखर्जी जी बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी एवं अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे हैं।